क्या हुआ? आरेश क्या कर रहे हो? देखो अबान को, अबान किस तरीके से लेता है। पता नहीं 4-5 महीने हो गए, अब से 4-5 महीने पहले मैंने मैगी बनाई होगी और खाई भी जब भी होगी। स्ट्रेडिंग जो होता है, हाँ ये स्ट्रेडिंग बोलते हैं ना इसे, ये नहीं घूम रहा था। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज का नया व्लॉग शुरू करती हूँ। तो जैसा कि आरिश स्कूल के लिए तैयार हो चुका है और आरिश जा रहा है स्कूल, और आरिश आज ना बिना बैग के स्कूल जा रहा है, कोई से बैग लेके नहीं जाना, तो आज जा रहा है बिल्कुल खाली। आप जल्दी से लेट हो जाओगे वरना। क्या हुआ, क्या चीज़? थर्मस तुम्हारे पापा ले गए। तो जैसे कि आरिश तो स्कूल जा चुका है, ठीक है, और अबान अभी हमारा सो रहा है, तो फटाफट से मैं यहाँ से घर में से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। जैसे ही आएंगे मैं तुरंत इनको नाश्ता भी मुझे बना के देना, क्योंकि मुझे सोना है, मुझे आ रही ज़ोरों की नींद। अब रात मैंने दवाई खाई है तो दवाई का इतना असर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपना काम फिनिश कर देती हूँ। वैसे तो मेरा ऐसा मन कर रहा है काम वाम सब छोड़ो और पहले मैं सो जाऊँ, जल्दी से ना काम कर लेती हूँ, मुझे नींद आ रही है। मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ भी करने का, ऐसा मन कर रहा बस सो ही जाऊँ। नाश्ते में इनको आमलेट बना के दूंगी, ब्रेड और आमलेट खाएंगे नाश्ते के अंदर। तो ये देखिए आमलेट तो हमारा बन गया है, पहले की तरह टूट गया फिर से, और चाय भी बन गई। तो मैं इनको देकर आती हूँ नाश्ता। A few moments later. कौन है ये जो दरवाजा इतनी जोर जोर से खोल रहा है? अच्छा कार लेकर आ रहे हो? तो अब ना आरिश तो स्कूल गया हुआ है, ठीक है, तो आरिश और अबान की दोनों की होती है लड़ाई कार के ऊपर बैठने के लिए। वो कहता है कि मुझे कार में अकेले बैठना, अबान कहता है कार में मुझे अकेले बैठना है। ठीक है, आरिश तो मान भी जाता है कि चलो कोई नहीं दोनों बैठेंगे, पर अबान बिल्कुल नहीं मानता। तो जैसे इसकी आँख खुली ना, अबान की फ़ौरन आया भगा भगा और यहाँ रूम में चला गया, और यहाँ रूम में खड़ी थी वहाँ से ले आया कार निकाल के। हाँ चला लो। तो देखो अभी कार में स्टार्ट कर रहा है, देखो ये मैं इसका वॉल्यूम कम कर दूं। तो ये रहा अबान लेकर आ रहा कार। तो ये देखो बच्चों ने नई कार को खराब कर दिया, इसमें पता नहीं क्या परेशानी हो गई। इसका ना जो ये होता है ना, इसका ये चल नहीं रहा था, तो अभी से बहुत देर से लग रही थी इसे सही करने में। दादा बहुत देर हो गई, एक घंटा हो गया इसमें लगे। ठीक है, जब मैं कार लेकर आई थी ना, तो इसका स्ट्रेडिंग जो होता है, हाँ ये स्ट्रेडिंग बोलते हैं ना इसे, ये नहीं घूम रहा था। फिर भैया से देखा, पता चला कि हाँ जी इसका इन्होंने पता नहीं कुछ अंदर से क्या दिक्कत परेशानी कर दिया। तो काफ़ी देर से इसमें लग रहे थे, इस कार को ठीक करने में लग रहे थे, और अब जाके फाइनली ये ठीक हुई है। और ये देखो अबान ने क्या फ़ायदा उठाया, अबान ने सारा घर ही फैला दिया। तुमने सारा सामान फैला के रख दिया है, मतलब वहाँ तो काम हो रहा है पर से तुम यहाँ पर सामान फैला रहे हो अबान है। इसमें थी दराज पे? नहीं इसकी नहीं थी, ये इन्होंने कर लिए, ये इनके घर सारे काम है सारे। और देना, वो दे देना। क्या? माचिस वगैरह जला के लेकर। माचिस ला रही हूँ। क्या चाहिए? कॉपी, बुक चाहिए? बुक अवान को मिल गई है पेंसिल, इसके हाथ पेंसिल लग गई तो मांग रहा है, कॉपी मांग रहा है। इसे पता है ना मैं अलमारी के ऊपर रख देती हूँ। हाँ कॉपी उस साइड पर। लो माचिस दो। अवान बैठ, जल्दी बैठ, कार में बैठ जाओ, कार में बैठो। ये देखो कितनी जल्दी जाकर बैठा कार में। लो ये पूरा स्टाइल, पूरे स्टाइल ऐसी बैठ जाओ बिना स्टाइल के ही, हैं? पूरे स्टाइल दिखाओगे? ये देखो इसका, ये देखो इसका गेट भी लगा दिया इसने। पूरे स्टाइल दिखाएगा लड़का, ऐसा ऐसा नहीं है, स्टाइलिश लड़का बहुत ज्यादा। 2 hours later आ चुका है। तो ये देखो इसकी आरिश की हालत, आरिश अपनी हालत ना स्कूल से जब आता है ना तो ऐसी हालत लाता है बना के। इसने कपड़े चेंज, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं ये। फिर आरिश ने, आरिश गाड़ी वहीं रख दो, पहले कपड़े चेंज करा लो, चलाओ इसे रख दो, पहले कपड़े चेंज कराओ, आ जाओ जल्दी से, फिर देख लो तो मैं वो लेकर जाएगा।
मैं तो जा रही हूँ, दरवाजा बंद करके भूत लेके जाएगा आरिश को, ना भूत लेके जाएगा। बंद कर का, बंद कर का आओ कार, करो वहां से बंद कर दो स्विच उसका। क्या हुआ, ये देखो आरिश ने अपनी क्या हालत बना ली, कपड़े इसके चेंज वेंज करा दिए और देखो फिर से क्या हालत बना ली है। तो यहाँ पर ना मैंने चलाई है बच्चों के लिए मूवी जुरासिक पार्क वर्ल्ड, शायद जुरासिक पार्क, जो भी है जुरासिक पार्क मूवी चलाई है। तो वैसे भी अब आपको ना एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो तो मैं ला रही हूँ खाना बना के, तुम लोग बैठ के दोनों फिल्म मूवी देखो, मैं खाना ला रही हूँ बना के, ठीक है ओके। तो गाइज मैं अब बना रही हूँ मैगी, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बाद मैगी बना रही हूँ मैं, बहुत टाइम होगा, पता नहीं 4-5 महीने हो गए, अब से 4-5 महीने पहले मैंने मैगी बनाई होगी और खाई भी जब होगी, और जब से हाँ डालो। तो मन भी कर रहा था बहुत दिनों से मैगी खाने का, चलो मैगी वैगी। आरिश क्या कर रहे हो तुम, तुमने सब बिखेर दिया, रहने दो, हटो यहाँ से। देखो एक कागज वागज पता नहीं क्या क्या आ गया, देखो उसमें, ये देखो ये क्या है, पन्नी वन्नी सी कटी हुई, हटो सब गिर जाएगा वरना। ये देखो यहाँ आरिश भी चढ़ के, देखो आरिश देखो किचन में कैसे चढ़ के बैठ गया, बंदर की तरह, जैसे कोई बंदर आके बैठ जाता है ना, ऐसे आके बैठ गया यहाँ पे, इसे मैगी बनवानी है इसलिए आके बैठा है। तो मैं ना इन बच्चों को ना अंदर रूम में लेकर आ गई, उन्होंने किचन में ना दोनों ने जाके वहाँ किचन में बैठ गए थे, ठीक है, वहाँ से आने का नाम नहीं था। फिर मैं भी अंदर आ गई और भैया किचन भी अपनी समेट दी और दोनों बच्चों को ले आई। अभी मैगी बनी नहीं है, मैगी भी अभी बनने वाली है, 2-3 मिनट में तैयार हो जाएगी बन के। अभी मान गर्म है, अभी नहीं खाना, ठीक है। तो हमारी मैगी बन चुकी है और आरिश इतना बेचैन हो रहा है, और ये देखो आरिश ये लिया है अपने खाने के लिए, और देखो इससे खा रहा है, मतलब मैं तो ये लेकर आई थी फॉक्स और ये लिया है ये, कि इसे इससे खानी, पता नहीं जब भी मैगी और पता नहीं कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो पता नहीं यही क्यों लिया है खाने के लिए। खाई भी नहीं जा रही अबान, अभी नहीं खाना बेटा, ठंडी होने दो, गर्म हो रही है, ठीक है, है ना। आरिश आराम आराम से खाओ बेटा, गर्म हो रही है, ओके। तो हमने जल्दी से ना मैगी खा लेते हैं, मैगी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और भूख भी लग रही है इस टाइम बहुत तेज, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह, और इस टाइम बढ़ गए 1:30। ये देखो अबान को, अबान किस तरीके से लेटा है। ये देखो बड़ों की तरह लेटा है, बिल्कुल बड़ों की तरह, जैसे बड़े बड़े लेटते हैं। तो गाइस इस टाइम हो रहे हैं, घड़ी में 3:15 का टाइम हो चुका है, और हमारा बाहर जाने का भी प्लान बना है, और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। तो जैसे कि हमने बताया था कि हम कहीं पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं था, तो जैसे ही हम जस्ट तैयार हुए, तैयार होते ही सीधा पार्किंग पहुँचे, कार निकाली और सीधा हम निकल पड़े हैं यहाँ से जाने के लिए। चुके हैं पेट्रोल पंप पर, और हमारी गाड़ी में हो गया था, वहाँ पंचर हो गया था, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पंचर लग रहा है क्या है, बाकी ना कार में जब निकलेंगे यहाँ से आगे। कहाँ पे क्या हुआ, आरिश क्या कर रहे हो, इस टाइम दोपहर का 1 बज रहा है, हमने नाश्ता भी कर लिया और खाना भी हम खा चुके हैं, और ये भी अपने काम पे जा चुके हैं। तो इस टाइम आरिश की छुट्टी है आज स्कूल की, तो आरिश को थोड़ा सा मुझे रिवीजन भी कराना है, अभी इसे रिवीजन कराऊंगी थोड़ी देर में। तो रात में व्लॉग नहीं बना पाई थी वहाँ जाने के बाद, एक तो हमें घर पर इतना लेट हो गया था कि हम यहाँ से लेट निकले थे, फिर वहाँ लेट जाके वहाँ पहुँचे, तो मैं घर से निकलते टाइम भी व्लॉग नहीं बना पाई थी, वहाँ पहुँचने के बाद में भी नहीं बना पाई थी ढंग से, मैं वीडियो मतलब बना ही नहीं पाई, बच्चों ने परेशान कर रखा था। के बाद में हम वहाँ से खाना खा के फटाफट से हम घर निकले, घर आए, रात हो गई थी, रात के बच्चे रास्ते में सो गए थे, तो ये हमने ला के सुला दिया, तो व्लॉग बनाने का ना ही टाइम मिला उस टाइम पर भी। बाद में खाना भी खा लिया है, खाना वाना फ्री हो के हम फ्री हो गए हैं, बस बच्चों ने घर फिर से फैला दिया है, तो मुझे साफ सफाई भी थोड़ी देर में दोबारा से करूँगी, अगेन दोबारा से। हाँ बेटा, हाँ अबान भूत बन के दिखा रहा है।
तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय बाय। बाय बाय तक आरिश अबान, बाय बाय करो सबको। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.